जय हंगामा यार। दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों। और देखिए अभी मैं आपको मनसा देवी के दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले आप मनसा देवी के दर्शन कीजिए। सामने तरफ देखिए मंदिर एकदम शांत और आज धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है और भाई श्रद्धालु जो कि काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा मैया की मान मर्यादा का ध्यान रखें भाई, गंगा मैया में तेल साबुन लगाना वर्जित है देखिए, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जो कि गंगा में स्नान करें तो यानी कि साबुन तेल जैसी समस्याएं यानी कि लगा के ना नहाएं। देखिए ये सामने तरफ देखिए एक बंदा दिख रहा होगा जो कि गंगा जी में जैसे एक जाल सा होता है उसमें फेंक रहा है और उसमें से जैसे नारियल रहता है कोई सामान रहता है वो सामान ढूंढ रहा है और निकाल रहा है। देखिए एक भाई दिख रहा होगा जो कि गंगा जी से जो कि नारियल रहता है और वैसा सामान रहता है या बैग वैग कुछ भी रहता है तो वो निकाल लेता है। और भाई देखिए आज ये भाई से मिलते हैं और परिचय कराएंगे बड़े से। जय बोले कि भाई, जय बोले कि बड़े क्या कर रहे हो आप? ये कावड़ पकड़ रहा हूँ यार। कावड़ पकड़ रहे हो? कावड़, अच्छा कब से हो वैसे बोड़े? कब से हो यहाँ पे तुम? 20 साल हो गए हरिद्वार में। अच्छा और पैसे वैसे निकालते? पैसे से तैरना नहीं आता भोलेनाथ। तैरना नहीं आता? अच्छा और वैसा सामान निकालते रहते हो? मेहनत करते हैं ना। अच्छा ये जाल दिख रहा है इसमें क्या क्या फंस जाता है? सब कुछ फंस जाएगा, मुर्दा भी आ जाएगा अंदर से नीचे। वो तो ठीक है, मुर्दा भी तो आ जाएगा मतलब। और वैसे नारियल भी फंस जाएगा इसमें? नारियल नारियल वारियल के नाम है बांस के नाम। अच्छा नारियल नहीं फंसेगा इससे, वैसा सामान फंस जाएगा बांस बैग वैग ये सारे ये सब फंस जाएगा। तो अभी एक बार दिखाना है कोई सामान आए तो फंसा के हैं। अच्छा कावड़ के में देखते हैं। वैसे आप कहाँ से बोले? मथुरा से। मथुरा थे तो बोले मैं ही भी मथुरा से, मैं भी हूँ मथुरा के पास में ही है हाथरस। मथुरा के पास में है, मैं हाथरस से। हाँ अच्छा 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 भैया 20 साल हो गए तुम्हें यही काम करते करते। अच्छा वैसे कितने पैसे हो जाते होंगे आपके दिन में? हो जाते हैं सावन में। अच्छा अच्छा 3 दिन का झटका है, 20-30 हज़ार। 3-4 दिन में 20-30 हज़ार का झटका लगेगा भाई देख लो। 4-5 दिन में मजदूरी करते वैसे। अच्छा सही है बोड़े। देखिए अभी बोड़े दिखाएगा जो कि कोई कावड़ आते है तो कावड़ पकड़ के दिखाएगा कुछ कैसे पकड़ते जाल से। देखना अभी थोड़ी देर में बोड़े इंतजार कर रहा है कोई कावड़ देखे और फिर कैसे फंसा के दिखाता है। आइए दिखाते हैं हम आपको। एक बार मैं आपको गंगा जी के दृश्य दिखाना चाहूंगा। देखिए पानी एकदम साफ चल रहा है, ये सर्दी में हो जाता है ये साफ जल। बहुत एकदम साफ हो जाता है। और देखिए गर्मियों में आओगे ना तो मतलब बारिश का सीजन रहता है पहले तो गर्मियों में तो ज्यादा गंदा पानी हो जाता है, मिट्टी का पानी आता है। हाँ देख सकते हैं सारा से पानी रहता है उसमें। अच्छा अच्छा वैसे आप यहाँ पे अकेले रहते हो? नहीं फैमिली है। फैमिली है? चार बच्चे हैं। अच्छा कहाँ पे रहते हो? अर्की पैड़ी पे। श्यामपुर कांगड़ी। ये कहाँ पर है? 10 किलोमीटर आगे। 10 किलोमीटर वहां से कैसे आते मतलब फिर? टेम्पू से? टेम्पू तो 3 दिन से बंद है, पैदल आते हैं। अच्छा पैदल आ रहे हो 3 दिन से? देखिए टेम्पू बंद है और पैदल आ रहे हैं बोले। एक बात बताओ, कमाना है बच्चे पालने तो पैदल? वो बात तो ठीक है भाई, कमाना है तो पूरे भरताल लॉकडाउन में हमने 20-20 रुपए के काम कर करके कमा के खाया। अच्छा अच्छा कभी जेब में पैसा है कभी नहीं नहीं है, फिर भी काम करने के लिए तो जाना ही है। काम यहाँ मिले या ना मिले सही बात है, नौकरी प्यारी है, बाकी का तो ऊपर वाला देखने वाला। और हाँ ठीक है और देखते हैं अभी। देखिए उस तरफ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और रेलिंग भी लगी हुई है भाई, रेलिंग से उस पार ना जाए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, डूब भी सकते हैं भाई। जो बंदा तैरना नहीं जानता है तो आप जैसा है बिल्कुल गलती ना करें भाई। देखिए रेलिंग से उस पार ना रहे हैं। साला तो कावड़ के साथ में बह गया था। अच्छा कावड़ ही ले गई। देखिए कौन 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 बह गया था? साला था ज्वालापुर का। तुम्हारा साला था? इनका भाई साला था जो कि ज्वालापुर का ही था, वो कावड़ के साथ में ही बह गया था मतलब वो भी जाल डाल रहा था इस वजह से। बहुत तगड़ी कावड़ में डाल दिया ना उसने जाल। अच्छा बड़ी कावड़ में डाल दिया था। अच्छा अच्छा देखिए अभी सामने से आ रही है कावड़। देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ और अभी देखिए भाई जाल फेंकेंगे और जाल से पकड़ेंगे कावड़। ये तो देखना जाल फेंकेंगे भाई। देखिए भाई ने फेंक दिया है जाल और कावड़ को खींचते हुए इस तरफ। नहीं फंसी कावड़, कावड़ नहीं फंसी भाई। एक और आ रही है देखिए, ये फंस गई देखिए कावड़, खींच के निकाल लिया भाई। भाई इस कावड़ का क्या करते हैं 10-20 रुपए में बेच देते हैं अपना घर चलाने के लिए, क्या है 200-300 हो जाते हैं।
खर्चा पानी चलाने के लिए भाई 10 किलोमीटर दूर से आते हैं अभी, जो कि टेम्पू नहीं चल रहे तो पैदल आते हैं भाई। देखिए कावड़ निकाल लिए भाई ने,